नोएडा पुलिस ने शहर में चल रहे ड्रग तस्करों के खतरनाक रैकेट का पर्दाफाश किया है। चिंता की बात यह है कि ये ड्रग तस्कर यूनिवर्सिटी कॉलेजों में देसी विदेशी ड्रग सप्लाई करते हैं। यानी अभिभावकों को अब जाग जाना चाहिए क्योंकि देश का भविष्य इन खतरनाक तस्करों के निशाने पर है। नोएडा थाना सेक्टर 126 पुलिस को ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ऐसे ड्रग तस्कर गैंग का खुलासा किया है जो शहर के नामी कॉलेजों के छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल रहे थे। इनका रैकेट इतना बड़ा है कि यूनिवर्सिटी से लेकर नोएडा दिल्ली के आसपास के कई शैक्षणिक संस्थानों के छात्र छात्राओं को नशीले मादक पदार्थ सप्लाई करते थे। पुलिस ने नशीले मादक पदार्थों की सप्लाई करने के आरोप में एमएटी यूनिवर्सिटी के छात्र समेत 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में देसी और विदेशी मादक पदार्थ बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल फोन, 1 इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने मादक पदार्थों की सप्लाई और डिलीवरी में इस्तेमाल हो रही 1 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी भी बरामद की है। वहीं फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DCP नोएडा हरीश चंद्र ने इस खतरनाक ड्रग्स रैकेट के गैंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आज थाना सेक्टर 126 पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि ड्रग्स पेडलर नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान रैकेट का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि इस गैंग का सरगना सचिन है। यह मध्य प्रदेश से चिंटू नामक व्यक्ति से स्लॉन्ग गांजा मंगवाता है। इसकी कीमत बाजार में 90,000 रुपये प्रति किलो है। गैंग के पकड़े गए सदस्य सागर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। ये सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए अन्य विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों से संपर्क साधता है। इसके बाद डिमांड के अनुसार मादक पदार्थों की डिलीवरी व सप्लाई करता है। मादक पदार्थों की डिलीवरी और सप्लाई के लिए इस गैंग ने स्वयं के राइडर रखे हुए हैं। DCP ने बताया कि इन 5 के अलावा एक अन्य शख्स अनित सोम का नाम भी प्रकाश में आया है। चिंटू और अनित सोम की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। कि पूर्व में भी एक नामी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट और एक रैकेट हम लोगों ने पकड़ा था जिसमें काफ़ी मात्रा में जो है वो ओजी और सिलोंग जो मेड गांजा है और जो चरस है वो सब पकड़ी गई थी। उसी चेन को जो है वो डेवलप करते हुए आज 5 लोगों को 126 पुलिस ने ACP 1 और ADCP के नेतृत्व में गिरफ्तार किया है। इसमें एक वर्तमान में जो है वो एक नामी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी है और साथ ही साथ एक जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट लड़का भी है। टोटल 5 लोग पकड़े गए हैं। इनके कब्जे से भारी मात्रा में मादक पदार्थ जिसमें चरस है, ओजी है और जो गांजा है वो बरामद हुआ है। इलेक्ट्रिक जो है वो नापतोल करने वाला एक वो भी मिला है, कांटा भी मिला है। साथ ही साथ जो है इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है वो सेम उसी तरह की थी जो पूर्व में थी। एक इसमें राइडर भी पकड़ा गया है जो रैपिडो जो होता है जिससे राइडिंग बुक कराते हैं, वो राइडर जो है वो जहाँ भी डिलीवरी की आवश्यकता होती थी वहाँ ये डिलीवर करते थे। एक ऑफिस बना करके ये लोग रह रहे थे और अच्छी क्वालिटी का गांजा चरस वगैरह सप्लाई करते थे और विशेषकर जो यूनिवर्सिटी और उसके आसपास के एरियाज हैं वहाँ के छात्रों को टारगेट करते थे। भारी मात्रा में हमें जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं, चैट्स मिली हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिसमें गर्ल्स बॉयज़ सभी तरह के हैं जो PGs में भी रह रहे हैं, अंदर भी रह रहे हैं, इन सब के चैट्स मिले हैं, डिमांड के चैट्स मिले हैं, उनको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इसमें एक अभी अनित सोम नाम का लड़का है जो पकड़ा नहीं गया है, जो इनको डिलीवरी करता था, उसके लिए भी टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये गांजा है कहते एसी में पैदा होता था, मतलब ऐसी इसकी फसल जो होती एसी में होती, इसकी क्वालिटी जो है वो जैसा बताया जा रहा है कुछ अच्छी किस्म की है। अच्छी का मतलब ये है कि ये सोफिस्टिकेटेड टाइप का है, जो पूर्व में जो जनरल गांजा बरामद होता है उससे थोड़ा सा ये बेहतर माना जाता है जैसा बताया गया है। इंडिया में होता है, हाँ, दफ्तर इन्होंने कहाँ ले रखा था और जो राइडर था वो इन्होंने सैलरी बेस्ड खबर, ये दफ्तर इनका बरोला में था और राइडर भी इनकी जान पहचान वाला ही था, इसीलिए जो भी डिलीवरी होती थी उसी के थ्रू होती थी। जो भी इस रैपर्स अभी हमें मिले हैं ये बेसिकली सारे फैब्रिकेटेड और फेक रैपर्स हैं अमेजन के और बाकी लोगों के। बाकी जहां से ये रैपर्स खरीदे गए हैं पुलिस को उनकी भी जानकारी हुई है, उनके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।